बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। दो इक्वेशंस गिवन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। पहले ये चेक करना है कि इसके रूट्स रियल है या नहीं। अगर रूट्स रियल हों तो फिर वो रूट्स मालूम भी करने हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन वन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको चेक करने के लिए इसका नेचर हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास a बराबर है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू 5 है और c इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज मैं लगाता हूँ, सो b स्क्वायर तो b की जगह 5, 5 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 5। सो 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 से आता है 5। ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स रियल होंगे। हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसके रूट्स रियल होते हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके रूट्स रियल है। यहाँ पर हम अब इसके रूट्स फाइंड भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये था कि अगर रूट्स रियल हो तो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो मैं अब इसको फाइंड करता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट बाई 2a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी तो b की जगह 5, माइनस 5 प्लस आर माइनस बी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 5 अंडर द रूट बाई 2 इंटू a की जगह आ गया 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस आर माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 5 ज़ा 20 अंडर द रूट बाय 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए, एक आ गया माइनस 5 प्लस अंडर द रूट बाय 2 और एक आ गया माइनस 5 माइनस अंडर द रूट 5 बाई 2। दोनों जो है वो रियल हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, ये इमेजनरी नहीं होता, तो इसलिए ये दोनों रियल हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं। अब मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का नेचर चेक करते हैं कि ये रियल है या नहीं इसके रूट्स। सो a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 9। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की जगह आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 9। सो 12 12 ज़ार 144 माइनस 4 4 ज़ार 16, 69 ज़ार से भी आता है 144। सो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया 0 के। तो ये 0 है तो इसके रूट्स भी रियल होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके रूट्स रियल हैं। सो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0।
इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ। ए इज इक्वल टू फोर है, बी ट्वेल्व है, ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू ट्वेल्व और सी इज इक्वल टू नाइन। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर द रूट बाई टू ए। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो माइनस ट्वेल्व प्लस आर माइनस बी स्क्वायर, सो ट्वेल्व स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर, फोर इंटू सी की जगह नाइन अंडर द रूट बाई टू ए की जगह फोर। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस आर माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व जार वन फोर्टी फोर, फोर फोर जार सिक्सटीन, सिक्सटीन नाइन जार वन फोर्टी फोर अंडर द रूट बाई टू फोर जार एट। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस आर माइनस वन फोर्टी फोर माइनस वन फोर्टी फोर ज़ीरो अंडर द रूट, इसका ज़ीरो के बराबर होता है बाई एट। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हो गए हमारे पास, एक है एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाई एट प्लस ज़ीरो बाई एट, और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व माइनस ज़ीरो बाई एट। एक दफ़ा मैंने प्लस लिया और एक दफ़ा माइनस। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाई एट और एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व बाई एट। इसको सॉल्व करते हैं, टू फोर ज़ार एट, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, इसी तरह ये भी। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू और इससे भी आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। चूँकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर था, तो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये रूट्स हमारे पास, ये भी रियल है, ये भी रियल, और ये दोनों इक्वल हैं।